इस वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कविताज क्रिएटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। हैप्पी होली। आज है होली और यही है हमारी बस थोड़ी सी होली। तो होली पे बन रहा है घर में दही बड़े और पुलाव बनता है हमारे यहाँ हर बार होली पे, तो वो ही बन रहा है इस बार। तो चारों तरफ होली की कलर्स हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, कॉलोनी में ढोल बजे की आवाज़ आ रही है, मज़ा आ रहा है, फेस्टिवल मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कल से ऑफिस जाना है लेकिन कोई नहीं। तो अब हम आ गए हैं किचन में, तो यहाँ बन रहे हैं दही बड़े। तो मम्मी जो है दही बड़े बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पूरा जो है लंच जो होली का बन रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो ये जो है सरसों के तेल में हमारे यहाँ दही बड़े बनाए जाते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल हम सभी को खाना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में ही मेरी मम्मी जो है दही बड़े बना रही हैं। तो होली पे अक्सर दही बड़े तो सभी लोगों के यहाँ बनाए जाते हैं क्योंकि होली पे काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, या नॉर्थ इंडिया में तो खासकर दही बड़े हर घर में बनते हैं होली पे। तो इस तरीके से ये लो फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे दही बड़े जो हैं इनको बनाने के, जो इसके दाल से बड़े बनाए हैं उन्हें फ्राई कर रहे हैं। तो आप लोगों में से किन किन के यहाँ होली पे दही बड़े बनाए जाते हैं मुझे कमेंट में लिख के बताइए। काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में, काफ़ी यम्मी बनते हैं और इजीली बन भी जाते हैं, और काफ़ी सारे आप बना के रख सकते हैं। तो कोई भी अगर आपके यहाँ फेस्टिवल पे मेहमान आते रहते हैं तो उनको तुरंत की तुरंत आप सर्व करके दे सकते हो। तो इस तरीके से टिश्यू पेपर पे मम्मा जो है दही बड़ों को निकाल रहे हैं और इसके बड़े को, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। यहाँ साइड बाय साइड आपके साथ मैं एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ दही बड़े की। जो सॉल्ट बनती है वो अक्सर लोग गुड़ से और इमली से बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत इजी और क्विक सी रेसिपी दे रही हूँ इसकी, जिससे आपके पास अगर बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं है तो आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खटाई से जो आमचूर पाउडर है उससे आपको सॉल्ट बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे बड़े जो हैं फ्राई हो रहे हैं और साइड बाई साइड हम जो मीठी चटनी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए मम्मी ने यहाँ पर 2 गिलास पानी रख दिया है और उसे उबलने के लिए रख दिया है। मैं भी उनके साथ उनकी हेल्प कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे मैं जो है दही बड़े फ्राई कर रही थी और मम्मा जो है इसमें अब ऐड कर रही हैं चीनी। तो यहाँ पे लगभग हमने 1 कटोरी चीनी ऐड की है। तो ये हमारे सारे बड़े बन के तैयार हैं और इसमें अब 1/4 कटोरी हमने जो है आमचूर पाउडर, लगभग 5 से 7 चम्मच आमचूर पाउडर हमने इसमें मिला दिया है। और बस हम इसे मिक्स कर देंगे और इसको लो फ्लेम पर आप जब तक इसकी कंसिस्टेंसी आधी ना हो जाए, मतलब जितना आपने 1 गिलास पानी लिया है वो लगभग 1/4 गिलास पानी रह जाए, केवल 1 से भी कम, तब तक इस पूरे प्रोसेस में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है। तो अब इन दही बल्लों को हम सोक कर देंगे नमक वाले पानी में ताकि इनका जो है ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो जब भी दही बल्ले बनाते हैं तो पानी में ज़रूर सोक किए जाते हैं। तो पानी में मम्मी ने 1 चम्मच नमक मिला लिया है और अब इन दही बल्लों को ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे बड़े बनाए थे क्योंकि काफ़ी लोग आ जाते हैं फेस्टिवल पे, तो इसीलिए सब लोगों के लिए बनाए थे और काफ़ी टेस्टी बने थे ये। सबने बहुत ज़्यादा चाव से इनको खाया और मैंने तो 2-3 बार इसको ट्राई किया, बहुत टेस्टी बने थे और बहुत सॉफ्ट बने थे और बहुत क्विक रेसिपी होती है, बहुत ईजीली बन भी जाते हैं और हेल्दी ऑप्शन है। तो ये सारा ऑयल देखिए कितना सारा ऑयल जो है टिश्यू पेपर पे सोक हो गया था। तो ये सब हमने अब इनको बस हमें दही इसका जो है कर्ड में हम इसको फेंट के उसके बाद इसको दही में ऐड कर देंगे। और वहाँ तो यहाँ पे मम्मा जो है दही फेंट रही हैं, तो यहाँ पे हमने लगभग 200 ग्राम्स दही ले ली थी और ये घर का बना हुआ दही था। आप चाहें तो मार्केट से अमूल का भी दही आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये दही जो है हमने एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है ताकि इजीली हम इसमें भल्लों को ऐड कर सकें अपने। तो ये बड़े हैं, इनको हम पानी से इस तरीके से अच्छे से हम स्क्वीज़ करके इसमें ऐड कर देंगे।
तो हमारे यहाँ तो हर साल ये होली पे ज़रूर ही बनते हैं। वैसे तो बनते ही रहते हैं, बट होली वाले दिन ज़रूर बनते हैं क्योंकि सबको बहुत पसंद है। और क्विकली होली वाले दिन इतना टाइम भी नहीं होता, सब लोग थके हुए भी होते हैं तो बहुत इजीली बन जाते हैं। एक बार बना के आप रख दो, आप रात तक उसे कंज्यूम कर सकते हो, कोई भी आए उसे सर्व कर सकते हैं। टेस्टी भी लगते हैं और हेल्दी भी हैं। तो इस तरीके से जितने भी बल्ले हैं उनको स्क्वीज कर देंगे, हम इस दही में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने थोड़े से अभी ऐड कर दिए थे, थोड़े बहुत हमने रख लिए थे क्योंकि दही कम था हमारे पास, तो जितना दही था उसके अकॉर्डिंग मम्मी ने इसमें ऐड कर दिए थे। और बचे हुए हमने इसी तरीके से रख लिए थे फ्रीज़र में। तो जब भी आप ऐसे भी स्टोर करके भी रख सकते हैं, इन्हें स्क्वीज़ करके आप रख लीजिए, और जब खाना हो तब आप उसमें दही ऐड कीजिए और बस उसे आप यूज़ कर लें। तो ये सारे ही स्क्वीज़ हो गए हैं और अब हम इन्हें बस मिक्स कर देंगे अच्छे से। और साइड बाय साइड हमारी जो आमचूर की चटनी है वो भी बनके तैयार हो जाएगी। तो रैंडमली ऐसे ही काम चलता रहता है क्योंकि एक साथ दो दो तीन तीन काम कंटिन्यू रहते हैं सभी की किचन में, तो इस तरीके से। और फेस्टिवल वाले दिन तो वैसे भी कुछ ज़्यादा ही डिशेस बनानी होती हैं, और हर एक के घर का अपना एक रिचुअल होता है कि कुछ लोगों के यहाँ आलू सब्जी पूड़ी बनती है, कुछ लोगों के यहाँ कचौड़ियाँ ज़रूर बनती हैं उस दिन नॉर्थ में, कुछ लोगों के यहाँ कोई और डिशेस बनती है। तो यहाँ पे फिर से हम आ गए हैं होली खेलने, कलर्स की होली खेलने। तो ये इस तरीके से एक दूसरे को हम कलर लगा रहे हैं कॉलोनी में, काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें हम कलर लगा रहे हैं वो हमें लगा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है फेस्टिवल वाले दिन, मज़ा आता है, सब लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सबकी बहुत बिजी लाइफ होती है तो एक दिन हम मिल लेते हैं। तो इस तरीके से ये हम फिर से किचन में आ गई हूँ और ये हमारी आमचूर की चटनी बन के तैयार है। तो इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रहती है। इसमें किशमिश मिला दिया हमने, आप चाहें तो अब इसमें खजूर भी मिला सकते हैं। और अब यहाँ पे मटर पनीर का पुलाव जो बनता है हमारे यहाँ, उसकी तैयारी हो रही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मम्मी ने रखी हुई है। ये अनियन को इस तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया है, और ये चॉपर जो है आप सभी लोगों को ज़रूर मंगा लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत फाइनली चॉप कर देता है बहुत ईजिली। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया, ऑयल में हमने तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और जीरा, ये चारों चीज़ें मम्मा ने जो है ऐड कर दी हैं। सरसों के तेल में ही बना रहे हैं हम ये भी, मस्टर्ड ऑयल में। और इसमें हमने बारीक कटा हुआ प्याज जो है, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ 1 से 1.5, वो ऐड कर दिया है मम्मा ने इसमें। और जब तक प्याज जो इसे अच्छे से भून लेंगे, जब तक वो ऑयल नहीं छोड़ देता, तो इस तरीके से प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। तो प्याज को हमने इस तरीके से अच्छे से भून लेना है। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो आप याद रखिए कि मोस्टली ऑयल रिलीज होना चाहिए, तो यानी कि वो प्रॉपरली कोक्ड हो गया है। तो यहाँ पे मम्मा इस चॉपर में टमाटर जो है उसको फाइनली चॉप कर देंगे। बहुत ही अच्छा है ये चॉपर, मतलब बहुत हैंडी है। जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया हम लोगों ने, तब से शायद ही हम सेकेंड टाइम में हमने इसको ऑर्डर किया था। फर्स्ट वाला हमारा उसका ब्लेड टूट गया था, तो ये हमने दूसरी बार फिर से मंगाया। तो यहाँ पे ये प्याज देखिए ऑयल छोड़ चुके हैं अपना, और इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी मम्मा ने एक। सो इस तरीके से टमाटर को भी हम इसमें 2 से 3 आप इजीली चॉप कर सकते हैं, और इतना फाइन चॉप कर देता है कि बहुत ही मतलब मज़ा ही आ जाता है, कोई भी कितना भी फाइन है। और अनियन तो लाइक इसमें बेस्ट चॉप होता है, तो वो बिल्कुल मार्केट में लोग अनियन चॉप करते हैं ना बहुत फास्ट फास्ट, जो हाथ से काटते हैं वैसा इससे हो जाता है। तो देखिए बहुत ईजी है, बस इसे लगाया और उसके बाद इसको इस तरीके से 3 से 4 बार हमने इसके डोरे को खींच देना है, और आप देखेंगे बिल्कुल फाइन चॉप हो जाएगा। और आप शेक्स भी बनाना चाहते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, अगर 1 ग्लास आपको बनाना शेक बनाना है तो बस इसमें 1 बनाना डालिए, थोड़ा सा मिल्क मिलाइए और आपका शेक भी बनके इसमें तैयार हो जाएगा। तो बहुत हैंडी है, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्सर ग्राइंडर मेरे जैसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिक्सर ग्राइंडर हम यूज़ करें, तो ये बहुत क्विक है। मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। भेलपूरी बनाने के लिए चटनी बनानी होती है तो वो भी कई बार मम्मा इसी में बना लेती हैं, बहुत इजी और क्विक है ये। तो सब लोग मंगा सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत रीजनेबल भी है ये, 250 या 300 में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे प्याज बहुत अच्छे से भुन गए हैं, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का। ये तो देखिए बिल्कुल प्यूरी बना दी टमाटर की इसमें,
तो ये इस तरीके से टमाटर ऐड करने के बाद, हम तो मैं चला रही थी, फिर मम्मी ने मेरे से ले लिया ये, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से इसको बना लेती हैं, तो उन्होंने कहा कि लाओ मुझे दे दो, मैं करती हूँ। तो अब वो टमाटर जो हैं अच्छे से भून रहे हैं, तो टमाटर भी हमें तब तक ही भूनना है जब तक ये ऑयल रिलीज ना कर दें, तभी हम समझ लेंगे कि हाँ हमारे टमाटर जो हैं वो प्रॉपरली कुक्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे टमाटर भुन रहे हैं, तब तक साइड बाय साइड मम्मा जो है पनीर कट कर रही हैं, और मटर हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं आप, बट हमने फ्रेश मटर लिए हैं। तो ये मटर हमने लगभग एक मुट्ठी जितने मटर ले लिए हैं इसके लिए, और अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमने अभी कोई भी चिली पाउडर ऐड नहीं किया है, जस्ट बिकॉज़ ये मेरी दादी को भी खाना होता है, तो वो इतना चिली पसंद नहीं कर पाती हैं, तो हम लोग अभी खाली सॉल्ट ही ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर, बिरयानी मसाला, जो भी आप पसंद करते हैं वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो बस ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है पूरा, अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें मटर मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें मटर मिला दिया, तो बस मटर को हम अच्छे से मिक्स करके 2 से 3, 4, 5 मिनट तक इसमें रखेंगे, लो फ्लेम पे ही रखेंगे, ताकि जितना भी फ्लेवर है टमाटर प्याज का वो मटर में काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाए, मसालों का भी। बस अब हम इसमें मिला देंगे पनीर, तो यहाँ पे लगभग 200 ग्राम्स पनीर था जो हमने लिया था, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके लगभग 5 मिनट तक इसी मसाले में भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और बस इसके बाद भीगे हुए चावल, ये चावल जो है लगभग 1 गिलास चावल है, जिसे हमने आधे घंटे के लिए लगभग रख दिया था जब तक ये प्रिपरेशंस चल रही थी। तो चावल अच्छे से भीगा हुआ होता है तो ज़्यादा अच्छे से बनता है, और कढ़ाई में ही बनाते हैं हम, प्रेशर कुकर में अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, थोड़ा सा पानी आपको फिर कम यूज़ करना होगा। कढ़ाई में आप बना रहे हैं तो जितना आप चावल ले रहे हैं उसका डबल पानी इसमें ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब हमने मिला दिया इसमें फाइनली चॉप किया हुआ धनिया, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ही डिलीशियस और यम्मी लगता है। अब इसमें मम्मी ने मिलाया उबला हुआ पानी, जी हाँ ये ट्रिक है मेरी मम्मा की कि उसमें थोड़ा बॉइल्ड वाटर मम्मी ऐड करती हैं, कभी भी चावलों में या पुलाव में वो नॉर्मल वाटर ऐड नहीं करती हैं। तो यहाँ पे पानी को हमने साइड में बॉईल कर लिया था, 2 गिलास पानी यानी जितना हमने राइस लिया उसका डबल। तो बस इसे हम ढक के रख देंगे, और 15 मिनट में हमारे ये पनीर पुलाव बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ही डिलीशियस और यम्मी। तो ये था हमारा होली स्पेशल व्लॉग और होली स्पेशल लंच बना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे सब ज़रूर बताइएगा। आप सबको मेरी तरफ़ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और ये है हमारी होली स्पेशल, दही बल्ले और गुजिया भी बनाई थी हमने, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप सबके लिए होली बहुत बहुत अच्छी हो। थैंक यू।